तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि मीटर रीडिंग टू के अंदर हम यूनिट को पर क्वांटिटी के एतबार से और यूनिट के एतबार से कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है और सबसे पहले हमने क्या करना है, सम और जो करंट रीडिंग है उसमें से माइनस कर देना है लास्ट रीडिंग को, और जैसे इंटर करेंगे तो उसके दरमियान का क्या निकल आएगा, डिफरेंस, और उस पर यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट होके नजर आ जाएगा। अब रही है यूनिट का रेट कैसे कैलकुलेट करें। यूनिट का रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको करना ये होगा कि यहाँ से जाना पड़ेगा लुकअप एंड रेफरेंस में, और यहाँ से एक फंक्शन को लॉन्च करना पड़ेगा जिसका नाम है वर्टिकल लुकअप। जैसे आप इस फंक्शन को लॉन्च करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि बताएं कौन सी वैल्यू को चेक करना है। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू चेक करनी है वो बेसिकली टोटल यूनिट्स हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से टेबल एरे के अंदर जाके हमें उसका जो है बताना है कि इसको किस वाले टेबल से चेक करना है। तो उसका नाम हमने रखा हुआ है एक्स डब्ल्यू टैरिफ। तो यहाँ पे हमने एक्स डब्ल्यू टैरिफ का रेफरेंस देना है। एक्स डब्ल्यू टैरिफ के रेफरेंस में देने से होगा ये कि ये इस क्वांटिटी को ले जाके उसके फर्स्ट कॉलम से चेक करेगा, और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स में जाके हमने कॉलम नंबर टू को पुट कर देना है। जैसे ही कॉलम नंबर टू पुट करेंगे तो वो उसके सेकंड कॉलम में से, मतलब ये जो हमारा टेबल है एक्स डब्ल्यू टैरिफ के नाम से, इसके सेकंड कॉलम से जो है वो डेटा को हमें प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इस कॉलम से डेटा को प्रोड्यूस करेगा, और वो जो डेटा है वहां से प्रोड्यूस करके यहाँ पर ओके करने पे वहां पे पुटअप कर देगा यहाँ पर इस तरीके से। अब जब आप इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सारे यूनिट का रेट जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसको प्राइस भी ज्यादा पड़ रहा है, और जिसकी क्वांटिटी यूनिट की कम है उसको प्राइस भी कम पड़ रहा है। उसकी वजूहत क्या है कि हमने कुछ टैरिफ को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि यहाँ पे जिसपे 0 से लेके 100 तक जो यूनिट का प्राइस है वो 5 रुपीज है, जबकि 100 से अबव हो जाएगा या 100 हो जाएगा तो 10 रुपीज है, और 200 से अबव या 200 हो जाएगा तो 20 रुपीज है। यहाँ पर अगर हम वैल्यूज को रिवर्स फॉर्म में डालेंगे तो फिर आउटपुट उस तरह से हमें यहाँ पे मिलेगा। अब चूंकि हमें रेट भी पता चल गया, हमारी क्वांटिटी भी कैलकुलेट हो गई, यूनिट कॉस्ट में आके हमने सम करना है, और सम करके हमने यहाँ से टोटल रीडिंग को मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट की रेट से, और जैसे ही करेंगे एंटर तो ये हमारे सामने इसका टोटल आ जाएगा, और क्लिक करके जैसे ही हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो हमारे सामने ये इसका यूनिट कॉस्ट निकल आएगा। अब आते हैं सेल टैक्स के ऊपर। तो सेल टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि यही सम करेंगे और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ और एंटर कर देंगे, तो ये निकल आया सेल टैक्स। और फिर हमने सीखा कि इसको यहाँ पे एक डॉलर लगाना है और दूसरा डॉलर हमें यहाँ पे पुटअप करना है और एंटर कर देंगे, तो ये यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर हम इसको आगे की तरफ ड्रैग करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ड्यूटी कैलकुलेट करना हमने लास्ट टाइम भी सीखा था, इक्वल करेंगे सेल के और इसको भी इक्वल करेंगे सेल पे, तो ये दोनों आ जाएंगे इस पर। तो यहाँ पे डबल क्लिक एंड देन डबल क्लिक, और यहाँ से डबल क्लिक करने पे ये सारा का सारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब आते हैं टोटल टैक्स कैसे निकलेगा। तो 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 का सम ले लेंगे यहाँ पर। जैसे हम क्लिक करेंगे ऑटो सम पर, क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ से इसका टोटल टैक्स निकल आएगा। और नेट बिल पे क्लिक करके जैसे ही हम सम करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो हमारी यूनिट कॉस्ट है इसमें हम प्लस करेंगे टोटल टैक्स को, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा नेट बिल कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ से जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये सारा अमाउंट जो है हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब इसमें कहना ये होता है कि भाई मिसाल के तौर पे आप कोई भी हम नाम डाल रहे हैं, सपोज टू बी अली नाम डाल रहे हैं, और उसकी जो लास्ट टाइम जो मीटर की रीडिंग थी वो 1102 थी, और अब हमने यहाँ पे अगली रीडिंग डाली 5674, तो इसको यूनिट का प्राइस पड़ रहा है 40 रुपीज़, तो इसका बिल इस हिसाब से बन रहा है। और अगर हम इसकी रीडिंग को कर देते हैं कम तो फिर इसका यूनिट का क्वांटिटी कम हो गई, तो रेट भी इसको कितना पड़ रहा है 5 रुपीज़, तो इसका बिल हो रहा है कम। अब हम अपने टैरिफ को जाके यहाँ से चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई अब शुरू वाले जो अगर कोई 100 यूनिट चलाता है तो 5 रुपए का नहीं, अब उसको 40 रुपए का पड़ेगा। 100 यूनिट हो जाएंगे तो 30 का, फिर 20 का, फिर 10 का और फिर 5 का, मतलब जितनी क्वांटिटी ज्यादा चलाओगे उतना रेट कम पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे रेट को चेंज किया, वहां जाके देखेंगे तो जिसकी क्वांटिटी कम है, फॉर एग्जाम्पल इसके 50 यूनिट्स हुए तो इसका बिल कितना आ रहा है 2000 का, लेकिन यहाँ पे इसके 287 बिल यूनिट है तो इसका बिल आ रहा है कितना 5000 का। 67 बिल पे 2600 का, 500 पे 2500 का, और 50 यूनिट पे 2000 का बिल आ रहा है, मतलब जितना कम यूज कर रहे हैं उतना प्राइस ज्यादा पड़ रहा है, और जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं उतना प्राइस कम पड़ रहा है। ये हमारे हाथ में है, हम इसको दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा चलो प्राइस तो वैसे रखते हैं 5, 10, 20, 30 एंड 40, लेकिन हम यूनिट की क्वांटिटी को देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने 100 100 का चंक्स बनाया था, तो अब हम इसको 50 में कन्वर्ट कर देते हैं, 50 150
हंड्रेड 150 और यहाँ पे 200 कर देते हैं। तो इस तरह से भी अब यूनिट लोगों को महंगे पड़ने लग जाएंगे और बिल ज़्यादा आने लग जाएंगे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे देखिए 67 बिल, इसको 10 रुपये के हिसाब से यूनिट पड़ रहा है, 670 का आ रहा है, 50 का, 500 का आ रहा है, 287 में 11,000 रुपीज़ का इसका बिल बन गया, 98 में 980 का बिल बन गया। तो आप दोनों तरफ चेंज करते जाएंगे और ये अपने आप को खुद ही अपडेट करता चला जाएगा, ठीक है।